तो भैया आप सभी को पहले दिल से राम राम। और आज हम बात करने वाले हैं निसान सन्नी डीजल इंजन के टाइमिंग के बारे में। तो चूंकि टाइमिंग इसका पंप का मैटर करता है, क्योंकि पंप की टाइमिंग थोड़ा बहुत भी आउट होना तो भाई गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, और स्टार्ट भी गलती से हो भी गई ना तो बहुत ज़्यादा राउंड लेके फिर दूसरी बार स्टार्ट होती है। तो इसलिए के टाइमिंग कुछ खास है भाई डीजल का, निसान सन्नी का, इसलिए आप लोगों को देखना चाहिए। और बहुत ही डिटेल में यार, मतलब जितनी पूरी डिटेल में बताना चाहिए वो डिटेल में टाइमिंग बता रहा हूँ मैं, क्योंकि बतरे टाइमिंग यूट्यूब पे है, देखा है मैंने, कन्फ्यूजन है बहुत ज़्यादा, कितने मैकेनिक फेल हो जाएंगे उस टाइमिंग के हिसाब से देखेंगे। तो इसलिए प्रॉपर टाइमिंग क्या होना चाहिए उसके बारे में बता रहा हूँ। और कंटिन्यू वीडियो मिलने वाला है भाई 1.5 महीने तक, तो मैं खुद ट्रैवल पे रहा, कभी कोलकाता कभी कहाँ कभी कहाँ, ऐसे घूमता रहा मैं, और कुछ शूटिंग में मैं व्यस्त था। तो आप लोगों ने मेरा देखा ही, अभी वीडियो मैंने जो डाला था टीवी पे, एडवर्ट चल रहे हैं 1.5 महीने से, तो कैस्ट्रोल सुपर मैकेनिक का वो ऐड था, इसलिए उसमें भी टाइम लगा काफ़ी। तो अब जाके थोड़ा फ्री हुआ हूँ और काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो अब आइए शुरू करते हैं। और आज से वीडियो दनादन एक से बढ़ के एक टॉपिक पे, और बिल्कुल फंसे फंसे काम होगा जाने वाला है। तो आइए निसान सन्नी डीजल इंजन के बारे में पूरी डिटेल में समझेंगे। गाड़ी स्टार्ट करो तब पता पड़ेगी टाइमिंग प्रॉपर है नहीं है, हैंटिंग है इंजन के अंदर क्या है, बतरे कई सारे प्रॉब्लम। तो कंप्लीट टाइमिंग समझते हैं पूरी डिटेल में भाई, ओके। तो आइए शुरू करते हैं। तो भैया ये है निसान सन्नी का इंजन, डीजल इंजन है ये, और निसान माइक्रा निसान सन्नी ये सब एक ही इंजन दिया हुआ है। तो इसकी टाइमिंग के बारे में आज समझेंगे हम कि इसकी टाइमिंग कैसे स्टेप बाय स्टेप होती है, और ओरिजिनल टाइमिंग यार, बेफजूल वाला टाइमिंग ना, जेन्युइन टाइमिंग जिससे गाड़ी स्टार्ट हो, दिखाने वाला ना करने वाला, जिससे हो टाइमिंग। तो सबसे पहले यदि इंजेक्टर आपका 1 नंबर का खुला हो, हमने तो खैर इंजेक्टर इसमें लगाए हैं तो इंजेक्टर खोल रखा था, उसके हिसाब से टॉप पे पिस्टन करा, 1 नंबर का टॉप पे पिस्टन करा, ठीक है। TDC पोजीशन पे 1 नंबर का पिस्टन आ गया हमारा, तो 1 नंबर का पिस्टन TDC पोजीशन पे आ गया, मैंने इस तार की मदद से, देखो ना इस तार की मदद से हमने पिस्टन को टॉप पे करा 1 नंबर का। पिस्टन पे टॉप पे करने के बाद से यहाँ देखो, ये देख रहे हो ना पॉइंट, ये छोटा सा पॉइंट देख रहे हो ना, गलारियों के बीच में छोटा सा पॉइंट है, यहाँ पे मैंने एक एरो का मार्का लगा दिया ताकि हमारा पिस्टन जो है ना 1 नंबर का टॉप पे है। कटर ऊपर कर लिया तो टॉप पे करते ही यहाँ पे टॉप पे आ रहा, और एक पॉइंट भी दिया हुआ है यहाँ, क्रैंक की टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। यहाँ से मैंने एरो का निशान मार लिया टॉप पे पिस्टन करके 1 नंबर से। अब आते हैं केम साफ्ट की टाइमिंग पे, तो यह है केम की पुल्ली, देख सकते हैं इसमें एक जगह पे कट दिया हुआ है, ये देख रहे हैं ना। अब यहाँ से आप देखो टाइमिंग दिखेगी, देख रहे हो ना, इसी में ये बोल्ट जाएगा अपना, ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है। और ये चीजें दिया हुआ है जो बोल्ट है ना, ये सिर्फ बेल्ट की एडजस्टमेंट के लिए दिया हुआ, जैसे बेल्ट लूज हो जाता है ना, कैसे इस पंप पे नहीं आता है दांते, कभी इस पे आधे दांते आते हैं, तो इसको लूज करके बस सेट किया जाता है दांतों का, बस और कोई ज़्यादा मैटर नहीं है उसका, बस इसके लिए है ताकि बेल्ट हमारा पूरी तरीके से प्रॉपर सारे दांतों पर फिट आ जाए, ठीक है। तो ये केम साफ्ट की टाइमिंग हमारी हो गई। अब पंप का मेन है भाई, मैं बता दूँ आपको, पंप की टाइमिंग इसमें नहीं मिला है ना तो ना तो इंजेक्टरों में करंट आएगा और ना ही गाड़ी स्टार्ट होगी। और चलो 1% गाड़ी स्टार्ट भी हो गई ना तो फिर बहुत लंबा सेल्फ लेगी यदि पंप की टाइमिंग आउट हो गई तो। तो पंप की टाइमिंग के लिए समझ लो कहाँ पंप की टाइमिंग रखना है, ये देख रहे हैं ना पुल्ली पे मार्का, और पास से मैं दिखाऊं आपको, देख रहे हैं ना पुल्ली पे पॉइंट बना हुआ, ये पॉइंट कहाँ रखना है, सीधे इसके सामने, ये जो बोल्ट कसा हुआ है ना बोल्ट, इसकी जो किनारी बनी हुई है उसके सामने रखना है। अभी आपको यहाँ से सेंटर कर रहा हूँ बस पूरा, देखो ये पूरी प्रॉपर सेंटर कॉर्नर पे है बिल्कुल, ये जो कॉर्नर है ना इस कॉर्नर के सामने रखा है मैंने, देख रहे हैं ना, यहाँ पे जाके गाड़ी स्टार्ट होगी। यदि एक आध दांता भी इधर उधर हो गया ना तो स्टार्टिंग लेट हो जाएगा भाई मेरे, इसमें बड़ा पंगा है। तो ये है निसान सन्नी डीजल इंजन की टाइमिंग, पंप की टाइमिंग यहाँ है ठीक इसके कॉर्नर पे, देख रहे हैं ना ये पंप की टाइमिंग। और केम की
गेम में भी दिया हुआ पॉइंट, इसको इसके सामने रख देते हैं, इसका क्या कोई मैटर क्या है, मतलब पुल्ली का एक मार्का है कि ऑफ में रखो, बाकी मेन जो गेम का है टाइमिंग ये है, बोल्ट है, ठीक है। और क्रेंक का आपको दिखाई दिया मैंने, क्रेंक का बिल्कुल ओके, ठीक है, ओके। अब बेल्ट को टाइट कैसे करना, तो बेल्ट का टाइट का मैं बता रहा हूँ, ये देखो टेक्शनर दिया हुआ ना, एडजस्टर है जो, इस पर एरो का मार्का दिया हुआ एंटी क्लॉकवाइज, जैसे क्लॉकवाइज जो घड़ी होती है उसके एंटी क्लॉकवाइज कैसे घूमेगी, वैसे मैं एलंकी लगा के आपका ये 6 mm की एलंकी ये लगा के और ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे उल्टी दिशा में दबा के इसको देखो यहाँ पे ले आके, देख रहे हो ना, ये दिखाई दे रहा है, ये दोनों कटों के बीच में रख सकते हो, मैंने थोड़ा सा नीचे रख दिया, यहाँ पे ले आकर फिर 13 नंबर से टाइट कर देते हैं। तो ये अपनी इसकी टाइमिंग हो गई 00, ठीक है। तो यही है निशान सली डीजल इंजन का टाइमिंग, और गाड़ी भी चेक देख ही लो गाड़ी कौन सी है, ठीक है। चलो अभी टाइमिंग प्रॉपर टाइमिंग कब ओके होती है, जब इसकी स्टार्टिंग दिखावे आदमी तब, समझ गए। अभी इमरान भाई जरा स्टार्ट मारो जरा, हाथ हटा भाई, ठीक है। अब इसको जो है ना सारी फिटिंग कर लेते हैं हमने, अभी ब्रैकेट ब्रैकेट वो सब ब्रैकेट पड़ा हुआ है, अभी कुछ भी करा नहीं है मैंने। चलो बंद कर लो, सारी फिटिंग कर देते हैं, हाँ ठीक। तो देखा यही था टाइमिंग, और कितना सेट टाइमिंग मैंने मिलाया इसका आसानी से, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। और आगे भी बहुत सारा कुछ जाने वाला है, इंजन ओवरऑल का वीडियो जाने वाला है, मिसिंग का बतेरे वीडियो पड़ा हुआ है, अभी एडिटिंग की प्रॉब्लम चल रही है, थोड़ा टाइम नहीं है। तो यही था भाई, और मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, ओके थैंक यू यार, हर बार की तरह दिल से आप लोगों को धन्यवाद। चलिए ठीक है, ओके थैंक यू।